खबर है आगरा से। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का काफी उत्साह नजर आया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए इन दो टीमों का मैच हमेशा से खास और रोमांचक रहा है। मैच में किसका पलड़ा भारी होगा और कौन सी परिस्थितियां किस टीम के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी, इस बात को लेकर क्रिकेट प्रेमियों से वार्ता की गई। उनकी प्रतिक्रिया जानी और आखिरकार यह मैच कितना रोमांच देने वाला होगा और कौन सी टीम का पलड़ा भारी होगा, आइए देखते हैं। क्रिकेट प्रेमी अभी से मोबाइल पर देख रहे हैं एशिया कप की झलकियां। एशिया क्रिकेट कप भारत पाकिस्तान मैच भले ही शाम को शुरू होगा, लेकिन सुबह से ही क्रिकेट प्रेमी इस मैच को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथों में मोबाइल लगा हुआ है और मोबाइल पर अधिकतर लोग एशिया कप की झलकियां देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूट्यूब पर क्रिकेट प्रेमी भारत पाकिस्तान एशिया कप की संभावित झलकियां देख रहे हैं। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हमेशा से ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास रहा है। हमेशा से भारत पाकिस्तान को पटकनी देते हुए आया है, लेकिन एक मैच में पाकिस्तान ने भी करारी शिकस्त खाई है। लगभग 10 महीने बाद पाकिस्तान भिड़ेंगे और जीत से भारत की होगी। इस मैच में जीत के साथ ही पुरानी हार का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। टॉस भी रहेगा महत्वपूर्ण भूमिका में। जी हां, एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि बताया जा रहा है कि मैच में यूएई में शाम में समय में मैच खेला जा रहा है। ऐसे में यूएई की जो कंडीशन है वहां चेंज करने वाली टीम को फायदा होगा। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि अगर भारतीय टीम टॉस जीत जाती है तो वह पहले गेंदबाजी चुने और चेंज करे, क्योंकि भारत के पास एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर है और चेंज करना भारत के लिए आसान रहेगा। काफी क्रिकेट टीम का बैच स्ट्रेंथ काफी मजबूत है और टॉप टू बॉटम सभी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम में शानदार गेंदबाज और फिनिशर मौजूद हैं। क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि भारत के पास बहुत अच्छे अच्छे फिनिशर्स हैं। दीपक हुड्डा, जिनके साथ रिकॉर्ड रहा है कि जब तक वह T20 टूर्नामेंट खेलना शुरू नहीं करते हैं एक भी मैच भारत नहीं हारा। इसके अलावा दिनेश कार्तिक है जो एक बेहतरीन फिनिशर है और उनके पास लंबे समय का क्रिकेट खेलने का अनुभव रहा है। वह कठिन परिस्थितियों में भी रन बनाने की क्षमता रखते हैं। रोहित शर्मा है जो अच्छे फॉर्म है और एशिया कप में उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। भारत की बैटिंग बहुत मजबूत होती है, ऐसे में चेंज करना भारत के लिए बेहतर होगा। बुमराह नहीं होंगे मैदान पर। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान भारत के बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि उनकी कमी इस मैच में नहीं खलेगी, क्योंकि भारत के पास उनके जैसे ही और भी बेहतरीन और तेज तरार स्पिनर गेंदबाज है। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि न्यू कमर अर्शदीप से काफी उम्मीदें हैं। अर्शदीप ने गेंदबाजों में एक अलग धार है। उन्होंने कहा कि भारत के पास अच्छे ऑलराउंडर हैं और भारतीय टीम पाकिस्तान की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन T20 टूर्नामेंट में दिन पर निर्भर करता है और मैच में जो टीम बेहतर खेलती है, जो टीम दबाव को झेल लेती है वही जीतती है। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। आज भारत पाकिस्तान का मैच बहुत दिनों बाद देखने को मिला है, तो कितना आप उत्साहित हैं इस मैच को देखने के लिए? इस मैच को देखने के लिए हम तो उत्साहित है ही हैं, पूरा देश ही उत्साहित है देखा जाए तो। और ये काफी दिनों बाद हो रहा है भारत पाकिस्तान का मैच, और इसमें हर बंदा आज उत्साहित बैठा है देखने के लिए कि ये कब स्टार्ट हो और सब देखने लगे। बुमराह जो स्पिनर वो फास्टर बॉलर था, आज वो नहीं है, उसकी जगह और कौन बढ़िया बेहतरीन बॉलिंग कर सकता है? अगर वो नहीं है तो उनकी जगह और भी हमारे खिलाड़ी हैं, जैसे यजुवेंद्र है, भुवनेश्वर है, अश्विनी कुमार है, और स्टैंड बाई में जैसे दीपक चारजी हैं, वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है तो। देखिए मतलब हमारे पास बॉलर हैं, बॉलर बहुत अच्छे हैं और भगवान ने चाहिए तो जीत हमारी होगी। ठीक है, ऐसे एशिया कप में क्या कहना चाहेंगे? भारत पाकिस्तान का मैच ही अपने आप में रोमांचक स्थिति पैदा कर देता है और भारत पाकिस्तान का कोई भी मैच हम बिना देखे नहीं मानते हैं। उस मैच में एक तो जज्बा रहता है हिंदुस्तान का कि किसी भी प्रकार से हम लोग पाकिस्तान को हराएं, और पाकिस्तान हमेशा हमसे हर मैच में हारता हुआ है। पिछली एक शिकस्त हुई है, उसका आज हम बदला पूरा करेंगे और भारी अंतर से हम लोग जीतेंगे। किसे उतरना चाहिए आज, ओपनिंग किसे करनी चाहिए भारत की? अगर इंडिया टॉस जीतती है तो इंडिया को बॉलिंग करनी चाहिए और हम उस को मैच को 25 ओवर में खत्म करने की ख्वाहिश रखते हैं। ओपनिंग करने कौन है? ओपनिंग करने हमारी तरफ से रोहित शर्मा जी और ऋषभ पंत जी आए, और ये दोनों ही बहुत ही अच्छे उम्दा खिलाड़ी हैं और ये अच्छी बैटिंग करेंगे। पाकिस्तान का मैच क्या कहना चाहें, कितना उत्सुकता रहती है भारत पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए? सर भारत पाकिस्तान का मैच सर जब भी आता है सर तो लोगों के दिलों में एक अलग ही उत्साह होता है उसको देखने के लिए, क्योंकि लोग जब भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि वो खुद ही खेल रहे हैं, उनमें अलग ही एक जोश होता है।
और इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो अलग ही होता है, और इसे देखने के लिए आज हम बहुत उत्सुकता से लिए तैयार बैठे हुए हैं, और हम चाहते हैं हमारी टीम इंडिया काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करे इस भारत मैच के और पाकिस्तान के मुकाबले के बीच में। सर आज भारत टॉस जीता है तो क्या करना चाहिए, उसे पहले बैटिंग या बॉलिंग? सर वो पिच के हिसाब से डिपेंड करेगा कि मतलब पिच क्या कह रही है। आप क्या कहना चाहिए? सर मेरा तो कहना ये है कि डिपेंड करे तो सही रहेगा काफ़ी, मतलब पहले वो बॉलिंग करे, मैं तो ये चाहता हूँ, और हमारे अंदर बहुत अलग उत्साह है इसको देखने के लिए। जैसे बुमराह स्पिनर बॉलर है और वो खेल नहीं रहे तो क्या लगता है, और जो बॉलर है? सर ऐसा नहीं है कि हमारी टीम इंडिया बुमराह के ऊपर ही निर्भर है, हमारे पास और भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, और भी हमारे पास प्रतिभा सा खिलाड़ी हैं, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, हम चाहते हैं हमारे और भी लोग हैं, कुलदीप यादव हमारे स्पिनर, वो अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं। हमारे विराट कोहली जी फॉर्म में नहीं है अभी, वो फॉर्म में आएंगे आज तो अलग ही उत्साह होगा उसके लिए, शायद हो सकते हैं।